हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक लेकर आया हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के लगाते हो, चाहे वो एंगल वाले हुए या वैल्यू फाइंड करने वाले हुए या उसको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हुए, तो वो सब तो आपका ट्रिक से नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की, मतलब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज एंड बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। आपको देखते ही लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाला। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है कि आपको देखना है कि थीटा की किस वैल्यू पर ये हमारा पर्टिकुलर ए और बी वैल्यू दे रहा है, जो कि वैल्यू एग्जिस्ट करे। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब आप वो एंगल नहीं रखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल्स टू आप ऐसा रखिए, ऐसा एंगल रखिए जिस पर ए और बी की कोई फाइनाइट वैल्यू आए, जिस पे वो एग्जिस्ट करे। तो ए की वैल्यू अगर हम जीरो रखें, जीरो डिग्री रखें, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? टेन जीरो की वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट जीरो की वैल्यू हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट। तो ये गलत है। अब थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रखें तो क्या ये सही है? टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट की भी 1 होती है, साइन 45 यस ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे इसमें और ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। 45 रखने पर टेन 45 माइनस कॉट 45, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 विच इज़ जीरो। एंड बी की वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ 2/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 अपॉन √2। ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 2, तो एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये और ए और बी की वैल्यू देखिए कितनी आसान हो गई। अगर मैं इसमें रखूँ तो कितना आएगा? ए की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है? √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 विच इज़ 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा, मतलब एक लॉजिक कि हाँ आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी इसी ट्रिक पर बेस्ड है। तो ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे आपको करने होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि ये अगर मैं पुटिंग से करूँगा, वैल्यू पुट करके करूँगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाने वाला है। तो आपको क्या करना है? बस आपको वैल्यू अप्लाई कर ली, थीटा की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो साइन की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन कोसेक इनफाइनाइट देने लगेगा, तो जीरो डिग्री पे नहीं होगा। आप किस पे रखिए? वैसे अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली आप केवल यही तीन वैल्यूज़ हैं, जीरो डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेसिकली आपको इन्हीं को रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये सब वैल्यू रखने से आपका जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही छोटा और सॉल्वेबल आएगा, मतलब वो आसानी से सॉल्व हो सकेगा। तो x की वैल्यू 45 रखने पर क्या मिलेगा? cosec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ जाएगा? 2 - 1/√2 विच इज़ 1/√2। y की वैल्यू sec theta, sec 45 एंड cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और sec 45 की वैल्यू √2।
कितनी हो जाएगी, 2 - 1/√2 विच इज़ 1/√2। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर 1/2 × 1/2 एंड एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 + 1/2 + 3। तो ये 1/2 1/2 वन हो जाएगा मतलब 1 + 3 एंड ये 1/2 1/4 तो 1/4 × 4 कितना जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 1। तो इस ट्रिक से दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।